छत्तीसगढ़ के दुर्ग और भिलाई शहर में एक ही रात में 3 एटीएम को काटकर 67 लाख रुपए पार करने के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि 4 अज्ञात आरोपी देर रात पूरी तैयारी के साथ एटीएम में चोरी करने पहुंचे थे। उन्होंने एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरों में ब्लैक स्प्रे मारा, उसके बाद गैस कटर से एटीएम को काटा और सारा कैश पार कर उसे आग के हवाले कर दिया। खबर लिखे जाने तक आरोपी पकड़ में नहीं आए हैं। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसके मुताबिक आरोपी 4 या उससे अधिक हैं। सभी ने अपने चेहरे को कपड़े से कवर किया हुआ है। 2 युवक एटीएम रूम के अंदर घुसे थे, वहीं 2 लोग बाहर। उसके बाद गैस कटर से एटीएम को काटा और सारा कैश पार कर उसे आग के हवाले कर दिया। खबर लिखे जाने तक आरोपी पकड़ में नहीं आए हैं। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसके मुताबिक आरोपी 4 या उससे अधिक हैं। सभी ने अपने चेहरे को कपड़े से कवर किया हुआ है। 2 युवक एटीएम रूम के अंदर घुसे थे, वहीं 2 लोग बाहर से पहरेदारी कर रहे थे। वीडियो देखकर साफ पता चलता है कि आरोपियों ने पहले से ही यह तय किया था कि उन्हें किस एटीएम को काटना है। सबसे पहले अपने चेहरे को कपड़े से कवर किए हुए एक युवक अंदर घुसा और ब्लैक स्प्रे से सीसीटीवी कैमरों को काला कर दिया। इसके बाद दूसरा युवक गैस कटर गन लेकर अंदर आया। उन्होंने फ्लेम काटा। वो सबसे पहले रात 1 बजे के मिलन चौक स्थित एटीएम में पहुंचे। इसके बाद वहां से 200 मीटर दूर दशहरा मैदान ग्राउंड स्थित एसबीआई के एटीएम में 2 से 2:30 बजे वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद उन्होंने